झारखंड मुक्ति मोर्चा आज यानी कि 2 फरवरी को अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी इसे झारखंड दिवस के रूप में मनाएगी। इस मौके पर राज्य की उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरे शहर को झंडे, बैनर, पोस्टर और पार्टी के पताकों से सजाया गया है। गांधी मैदान में शाम के वक्त शुरू होने वाले इस सभा से पहले एसपी कॉलेज मैदान में पूरे संताल परगना से जुटे नेता, कार्यकर्ता और समर्थक परंपरागत वेशभूषा, तीर धनुष और नगाड़े के साथ रैली निकालेंगे, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी। कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन पार्टी का झंडा फहराकर और पार्टी के शहीद और दिवंगत नेताओं को श्रद्धा पुष्प अर्पित कर सभा की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी गुरुवार को दुमका पहुंचेंगे। राजमहल सांसद विजय हांसदा, दुमका विधायक बसंत सोरेन, शिकारपाड़ा विधायक नलीन सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन के अलावा दूसरे जिलों के भी तमाम विधायक, पूर्व विधायक, केंद्रीय पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गांधी मैदान में इस सभा के लिए भव्य मंच बनाया गया है। इस मंच के शीर्ष पर बड़े आकार का तीर धनुष जगमगाता हुआ नजर आएगा। उसके नीचे पार्टी के तमाम नेताओं की तस्वीरें और होर्डिंग्स लगाई गई है। मंच के सामने 44 झंडे लहराए जाएंगे। 45वें झंडे को शिबू सोरेन द्वारा फहराया जाएगा। शहर में सभी प्रमुख मार्ग पर महापुरुषों, अमर शहीदों और पार्टी के दिवंगत नेताओं के तस्वीर तोरण द्वार पर लगाए गए हैं। झामुमो का यह राजनीतिक आयोजन पिछले 2 वर्षों यानी कि 2021 और 2022 में कोरोना काल के कारण बेहद सीमित स्तर पर आयोजित किया गया था। इस बार स्थिति सामान्य है, लिहाजा कार्यक्रम काफी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस बार आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।